Hello friends, welcome to our channel Make Your Future, and this is Dr Vipan Goyal, and this is the daily GS booster series. And जो आपके आने वाले exams में जैसे SSC, CGL, CHSL, CDS, PCS, Railway, UPPCS and video के exam में SSC, GD के exam में और Railway के बहुत सारे exams आने वाले हैं, उनके लिए important है. जहाँ पे आपका भी steno का भी exam आने वाला है, उनमें भी ये role play करेंगे, important question है और ये आपकी quick revision के लिए है. and हम इसके अंदर science के questions discuss करने वाले हैं, ठीक है. and आपको साइड पे मेरा चैनल का नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, सो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आई एम डॉक्टर विपिन गोयल, ठीक है. सो हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज, वही जो हम अपने पहले से करते आ रहे हैं. आई होप आपको पहले वाले लेक्चर्स भी अच्छे लग रहे हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है. सो एंड आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी मेरे कोर्सेज देख सकते हैं. फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एंड दिस इज माय नेम डॉक्टर विपिन गोयल. सो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की लर्नर ऐप करनी है सर्च, ठीक है. उस पर आपको मेरा नाम डालना है, डॉक्टर विपिन गोयल, इस तरीके से जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. एंड आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी यहाँ पे देख सकते हैं. एंड मैंने ये जो मेनली क्वेश्चंस हैं ये हाई लेवल के हैं, जैसे आपका पीसीएस का एग्जाम हो गया, आपके यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, ठीक है. सो उसके लिए जो है ये सीरीज यहाँ पे लॉन्च की गई है मेरी अनअकैडमी पे, ठीक है. सो डॉक्टर विपिन गोयल के आप नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. मेरे जो है अप्रॉक्सी 500 के फॉलोअर्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी आने वाले टाइम में. और मैं यहाँ पे टारगेट 2019 को भी जो है आगे लेके आने वाला हूँ, ठीक है. एंड अगेन यहाँ पे हमारे वही सेम जिसे हम पहले से करते आए हैं, हमारे जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं यहाँ पे 20, ठीक है. सो 20 क्वेश्चंस हैं एंड 20 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इन चीजों को फॉलो करना है, ठीक है. सो अगेन 20 क्वेश्चंस के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहली बात तो क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, जैसे हम पहले करते हैं आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है. ऑप्शंस देखने हैं, पहले अपनी कॉपी में लेके अपने इसको आंसर लिख लेने हैं एंड फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिख के जरूर बताने हैं. ये कमेंट बॉक्स में नंबर लिखने का रीजन सिर्फ यही है ताकि आपको जो है आपकी प्रिपरेशन रहे कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, और साथ के साथ मुझे भी पता लगता रहे कि आप कितना सीरियसली इसको देख रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन. देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीजों से बना है, हीम एंड दूसरा ग्लोबिन, ठीक है. सो हीम पार्ट जो होता है आपका वो होता है आयरन पार्ट, क्लियर. जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये होता है आपका प्रोटीन, क्लियर. और जो आयरन है वो जो आयरन है आपका, ठीक है. सो जो आयरन है वो आपका फेरिक फॉर्म का होता है इसके अंदर, ठीक है. सो आयरन जो है वो आपका फेरिक फॉर्म का होता है, ठीक है. और प्रोटीन जो है इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबाइन करते हैं, और आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प होती है, ठीक है. सो इन्होंने कौन सी मेटल पूछा है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, क्लियर. सो आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉइजन ग्लैंड ऑफ द स्नेक, यानी कि जो स्नेक्स की पॉइजन जिसमें जहर होती है वो इनमें से किसके लिए होमोलोगस है. कल भी हमने डिस्कस किया था व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन, जो आपकी सेम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर शो करते हैं. जो हमारी स्नेक होता है, सांप की जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो आपकी जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके साथ जो है होमोलोगस ऑर्गन है, क्लियर. सो पैरोटिड ग्लैंड क्या है हमारी, सलाइवरी ग्लैंड, क्लियर. सो पैरोटिड ग्लैंड क्या है हमारी, सलाइवरी ग्लैंड. तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. सो सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द वर्टिब्रेट, क्लियर. सो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है, तीन, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे कितने क्रोमोसोम हैं जो हमारे ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, क्लियर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साथ के साथ क्रोमोसोम जो है आपके 46 नंबर होता है. अगर इन्होंने पेयर में पूछा तो 23 पेयर्स आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर. 23 पेयर्स में 22 एंड 1, ठीक है. 22 जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, क्लियर. एंड जो 1 होता है ये क्या होता है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्लियर. सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम में हम बात करें तो दो तरीके के, XX एंड XY, क्लियर. ये होता है फीमेल्स के अंदर और ये होता है मेल्स के अंदर, क्लियर. सो 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज को जो सनलाइट है वो ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पे नॉट बोला है, डू नॉट नीड, ठीक है.
क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनकी जो खाना है, ये जो खाना है वो अपना खुद ही बना लेते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, सो सनलाइट की तो हेल्प किसको चाहिए होती है? आपके प्लांट्स को, जो फोटोसिंथेसिस में होती है. सो क्लोरोफिल का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा. दे हेट सनलाइट, ये भी नहीं आएगा. दे यूज अदर काइंड ऑफ लाइट, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है. तो ऑप्शन क्या बन गया हमारा? दे प्रिपेयर द फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट, विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट. क्लियर. सो हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमॉर्फिज्म? पहली बात तो आपके ऐसी चीजें, ऐसे दो स्पीशीज, ठीक है, जो दो स्पीशीज जो हैं वो सेम दिख रही हो एंड लेकिन वो सेक्सुअली डिफरेंट हो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई जो है ये व्हाइट कलर का दिख रहा है एनिमल, ठीक है, कोई पक्षी वगैरह, और ये ब्लैक कलर का दिख रहा है. ठीक है, सो ये तो सेक्सुअली जो है आपकी जो है बाकी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सेम है. ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सेम है. अगर सेक्सुअली के साथ साथ बाकी कलर, आपका कलर हो गया, जो प्लांट का जो स्पीशीज का साइज हो गया वो डिफरेंट कर रहा है, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें डिफर करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है, सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि सेक्सेस के अंदर भी जो है चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड ये चीज देखने को मिलती है एस्कैरिस के अंदर. क्लियर, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं? नेकेड सीड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है फ्रूट जो है आपका वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्रूट ग्रो नहीं करेगा. तो ऐसे कौन से जो है आपकी सीड्स हैं? वो आपके हैं जिम्नोस्पर्म्स. क्लियर, सो जिम्नोस्पर्म्स आर द जिम्नोस्पर्म्स हैव द नेकेड सीड एंड दे लैक द फ्रूट्स. क्लियर, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर डेवलपमेंट होगी ही नहीं. क्लियर, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इनमें से हमारा कौन सा हार्मोन है, हार्मोन है आपका जो है लाइफ सेविंग हार्मोन है. ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कह देते हैं आप इनको, एमरजेंसी हार्मोन भी कह देते हैं. ठीक है, एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन कौन सा है हमारा? एड्रेनालिन. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एड्रेनालिन. ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं हम? एपिनेफ्रिन. क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और नेफ्रिन वर्ड का मतलब क्या हो गया? नेफ्रॉन से. ठीक है, सो नेफ्रॉन कहां पे होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी. यहाँ पे जो ये क्या है जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये आपके नेफ्रॉन्स हैं. क्लियर, ये ध्यान से पढ़ने हैं आपको क्वेश्चन, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोफीलिया. जो हीमोफीलिया है, हीमो अगेन, हीम का मतलब ब्लड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर की बात हो रही है. ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इनके साथ. ठीक है, सो इनमें से हीमोफीलिया फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया था रॉयल फैमिलीज के अंदर, ये देखा गया था क्वीन विक्टोरिया के अंदर. क्लियर, सो क्वीन विक्टोरिया के अंदर पहली बार देखा गया था. एंड हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? जो ब्लड होता है, सो ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो डिलेड हो जाती है, यानी कि लेट ब्लड क्लॉटिंग होती है. ठीक है, सो आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बता के क्वेश्चन लिखे जो है आपको आंसर देना है. ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी जो प्रोटीन होता है, नेसेसरी जो प्रोटीन है वो कौन सा है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखे बताना है. दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं आप, कौन सा विटामिन चाहिए? क्लियर, सो दो क्वेश्चन है आपके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसिटी जो है हमारे लिए प्रोटीन की वो कौन सी चाहिए और विटामिन कौन सा चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए. क्लियर, और क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखी गई थी, ये ध्यान रखना है आपको. अगला क्वेश्चन है, टर्म बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम. बायो वर्ड का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लाइफ. ठीक है, बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी. क्लियर, सो ये जो वर्ड उठाया गया था, ये वर्ड उठाया गया था आपका ग्रीक वर्ड से. क्लियर, सो ग्रीक वर्ड है हमारा बायोलॉजी. क्लियर, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हमारा जो मेजर फूड फ्यूल है, फ्यूल अगेन एनर्जी जो देगा हमें, फ्यूल है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इज, इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम में एनर्जी देता है? वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर्स. क्लियर, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर्स. क्लियर, एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, जब एक आपका जो एनर्जी देते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. और ग्लूकोज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट और शुगर. क्लियर, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हमें जो है एनर्जी मिलती है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. क्लियर, सो इसका मतलब क्या है, जो ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है. और आपके खाने के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो मोर देन जो है हमारी 50% एनर्जी, जो 50% एनर्जी है वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, कार्ब्स ही लेने पड़ते हैं आपको. क्लियर, अगला क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से न्यूरॉन का, न्यूरॉन क्या है, व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन का मतलब होता है जी, न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कह देते हैं, क्लियर। सो आप इसमें सॉरी, सो न्यूरॉन जो है आपका, न्यूरॉन को हम क्या कह देते हैं, नर्व सेल भी कह देते हैं, क्लियर। सो नर्व सेल जो होते हैं ये आपकी हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल है और नेचर के अंदर भी ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और इनकी जो मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन है ये ध्यान रखना है आपको, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन यानी कि ये दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बहुत ही कम मिनिमम। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मैक्सिमम पावर रीजनरेशन की किस ऑर्गन की है, ठीक है। सो मैक्सिमम पावर रीजनरेशन की किस चीज की है आपको बताना है। एंड इसमें देखते हैं हम व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल जैसे हमने बात करी थी, तो हमारा क्या हो गया, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर, नर्वस सिस्टम का हमारा बेसिक यूनिट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वेजिटेबल घी बनाने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल की बात होती है हमेशा आपकी, ठीक है। सो इसलिए हम कौन सी जो है गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल किसका इस्तेमाल करते हैं, सो निकल का इस्तेमाल करते हैं हम वनस्पति घी वगैरह बनाने में, ठीक है। सो आपका निकल मेटल होती है और गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऐसी कौन सी जो लाइट है वो सबसे जो है मिनिमम वेलोसिटी से ग्लास के अंदर ट्रेवल करती है, वो जो लाइट है आपकी वो कौन सी है, वो है वायलेट कलर की लाइट, ठीक है। सो विबग्योर होता है हमारा, विबग्योर। सो ये क्या होता है कि जो आर है यानी कि रेड है जो, इसकी क्या होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, क्लियर, और वायलेट कलर की क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ, क्लियर। सो मिनिमम वेवलेंथ है इसलिए ये स्लो ट्रेवल करते हैं, और साथ के साथ जो है आपका इसके साथ जो है मैक्सिमम इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, क्लियर। सो इसी कारण जो है ये आपका जो है वायलेट कलर स्लो ट्रेवल करते हैं क्योंकि इनकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, क्लियर। और आप इसमें एक ये भी याद कर सकते हैं कि जो आपका जो है रेड कलर व्हाई रेड कलर इज यूज्ड इन द डेंजरस साइन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी और मिनिमम क्या हो जाएगी आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। सो आप इसे में भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें से जॉर्ज मेंडल ने परफॉर्म किया था अपना क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसे आप मेंडल एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, क्लियर। मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, क्लियर। सो पी प्लांट को हम और क्या कहते हैं, पाइसम सैटिवम, क्लियर। और मेंडल की चार लॉज का जो है आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना है कौन कौन से चार लॉज थे, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सी आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, सर्जरी के अंदर आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या होता है। देखिए आर्थ्रो वर्ड जो हमेशा जो यूज होता है वो जॉइंट्स के लिए वर्ड यूज होता है, आर्थराइटिस वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आर्थ्रो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज हो रहा है आपका, जॉइंट्स के लिए, आपको याद रखना है। तो इसमें जॉइंट्स वर्ड है सिर्फ एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस चीज की रिप्लेसमेंट है, हिप जॉइंट की रिप्लेसमेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्थ्रो वर्ड से ही हमारा आंसर ये निकल आना था, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो विस्कस होता है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। सो जो है ह्यूमन का ब्लड जो है वो गाढ़ा क्यों होता है, उसका रीजन है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण जो है आपका गाढ़ापन आता है ब्लड के अंदर, क्लियर। ये पूछ लेते हैं कि मेरा ब्लड गाढ़ा है तो क्यों है रीजन, नॉर्मल घरों में भी बात करते हैं, प्रोटीन कंटेंट के कारण, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनीज के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, मेजर केमिकल कौन सा होता है, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, कैल्शियम ऑक्सलेट। और किडनी के अंदर हम डायलिसिस वगैरह वर्ड भी यूज करते हैं, डायलिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना, जहाँ आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल तरीके से जो है ब्लड प्लाज्मा का प्यूरिफिकेशन, क्लियर, ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन हम करते हैं, क्लियर। और हमारा जो ब्लड ह्यूमन यूरिन है, यूरिन का कलर क्या होता है, नॉर्मल कलर क्या होता है, येलो, क्लियर, येलो कलर क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, क्लियर, ये चीजें याद रखनी है, यूरो मतलब यूरिन, क्रोम मतलब कलर, क्लियर, सो यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा इज, सो अमीबा लाइक फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, सॉरी, सो ये लगा लीजिए, ये अमीबा है, ठीक है।
सो फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, सो अमीबा के ऊपर इस तरीके से अगर हम लाइनें मारते हैं सो इस तरीके से जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है यहाँ से ऐसे, ठीक है। सो ये क्या ऑर्गन है, ये क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं जैसे, बट थोड़ा सा मेरी यहाँ पे डायग्राम ज़्यादा बन गई, बड़ी बन गई। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीडोपोडिया, क्लियर, सीडोपोडिया। सो अमीबा, जो अमीबा का लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा है आपका, सीडोपोडिया, इससे मूव करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल का मतलब वन जनरेशन टू अनदर, दूसरी जनरेशन तक जा सकती है, आप इसको जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं, क्लियर। सो वो जेनेटिक डिजीज कौन सी है हमारी, कलर ब्लाइंडनेस, क्लियर, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, जो है इसके अंदर क्या होते हैं, जो कोन सेल होते हैं, कोन सेल्स, क्लियर, ये जो है कोन सेल्स के ऊपर असर पड़ता है और हमें दो कलर नहीं दिखते इसके अंदर, जो हमारा जब जब किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसी कारण इनको डिफेंस में नहीं जाने देते और इनके जो लाइसेंस वगैरह होते हैं ये भी नहीं बनते, क्लियर, सो इन पर्सन के, क्लियर। और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट शुगर इन द हनी इज, हनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शुगर कौन सी होती है, वो होती है आपकी फ्रक्टोज, क्लियर। सो फ्रक्टोज इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज को हम और क्या कहते हैं, हम स्वीटेस्ट शुगर इन द नेचर, स्वीटेस्ट शुगर। सो इसको और वर्ड क्या यूज किया जाता है, फ्रूट शुगर वर्ड भी यूज किया जाता है कि ये ही हमारी क्या है, फ्रूट शुगर है, क्लियर। सो इसको याद रखना अच्छे से, क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही था, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिख के बताइए जी कितने नंबर आते हैं। अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सो इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए, एंड आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले लिंक दिया था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से भी इस चीज को क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।